बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में, इंसानी कान के बारे में, कि इंसानी कान का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो जैसे आंख के ज़रिए हम देख सकते हैं, इसी तरह कान के ज़रिए हम सुन सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, इसमें हमारे पास इसके तीन हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, दूसरे को हम कहते हैं इंटरनल ईयर, और तीसरे को हम नाम देते हैं मिडल ईयर का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल ईयर के बारे में, बैरूनी कान के बारे में। तो एक्सटर्नल ईयर में हमारे पास दो चीज़ें मौजूद होती है। एक को हम कहते हैं पिना, ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है इसको हम पिना का नाम देते हैं, और ये साउंड को कलेक्ट करता है। अब पिना के अलावा इसमें एक और हिस्सा भी होता है, एक और चीज़ भी होती है जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस कहते हैं, या इसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ टू कंपार्टमेंट, एक हमारे पास है पिना, दूसरा हमारे पास है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, और इस हिस्से को हम नाम देते हैं पिना। दूसरा हमारे पास है मिडल ईयर। तो मिडल ईयर में हमारे पास एक बोन कैविटी होती है, और इस बोन कैविटी के अंदर मिडल ईयर में हमारे पास तीन हड्डियाँ होती है। एक को हम नाम देते हैं एनकस, दूसरे को हम नाम देते हैं मेलस, और तीसरे को हम नाम देते हैं स्टेपस। ये मिडल ईयर के अंदर होता है। मिडल ईयर के अंदर हमारे पास एक बोन कैविटी होती है, एक खला होती है, उस खला के अंदर तीन हड्डियाँ होती है। एक हड्डी को हम नाम देते हैं मेलस, दूसरे को हम एनकस, तीसरे को हम स्टेपस। इसी तरह इंटरनल ईयर, अंदरूनी कान, यानी कान का वो हिस्सा जो अंदर है, अंदर वाले हिस्से को हम इंटरनल ईयर कहते हैं। इंटरनल ईयर के अंदर भी हमारे पास दो हिस्से इसके होते हैं। एक को हम सीमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। ये जो आपको सीमी सर्कुलर कैनाल नज़र आ रहे हैं, सीमी सर्कुलर कैनाल इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्कल हम इसको कहते हैं, ये पूरा सर्कल होता है। अगर ये सर्कल हमारे साथ पार्शियली इस तरह गोल हो तो इसको हम सीमी सर्कुलर कैनाल फिर कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास तीन सीमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, और एक हमारे पास होता है कोचलिया। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कोचलिया कहते हैं। तो ये इंटरनल ईयर के हमारे पास टू कंपार्टमेंट होते हैं। इसी तरह एक्सटर्नल ईयर की भी हमारे पास टू कंपार्टमेंट होते हैं। एक को हम पिना का नाम देते हैं, और दूसरे को हम नाम देते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, या इसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। तो ये कान के हमारे पास तीन कंपार्टमेंट है, एक एक्सटर्नल ईयर, दूसरा हमारे पास मिडल ईयर, और तीसरा हमारे पास इंटरनल ईयर। अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है इसके अंदर एक लिक्विड भी होता है, उस लिक्विड को हम नाम देते हैं एंडोलिम्पेटिक सैक एंडक्टो। इसके अंदर एक लिक्विड होता है जो हमें बैलेंसिंग के बारे में बताता है, जो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, बैलेंसिंग के बारे में बताता है। अब सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ईयर, के ह्यूमन ईयर इंसानी कान हमारे पास काम कैसे करता है, तो ये हमारे पास सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ईयर है। ये हमारे पास क्या है, ये पिना है, और ये ईयर ऑडिटरी कैनाल है, ये ऑडिटरी कैनाल है, ये एक्सटर्नल ईयर में आते हैं। अब यहाँ पर सीमी सर्कुलर कैनाल है और कोचलिया है, ये एक्सटर्नल ईयर में आते हैं, और जो मिडल ईयर है इसमें हमारे पास ये कैविटी होती है, और इसके अंदर ये तीन हड्डियाँ होती है, इसको हम बोन कैविटी कहते हैं, और इसके अंदर हमारे पास इनकस होता है, मेलस होता है, और स्टेपस होता है। ये कान के हमारे पास तीन हिस्से होते हैं। अब ये जो हमारे पास टेम्पोनिक मेम्ब्रेन है या ईयर ड्रम है, ये ना तो हमारे पास एक्सटर्नल ईयर में आता है ना इंटरनल ईयर में आता है, बल्कि ये बॉर्डर लाइन पे होता है इन दोनों के दरमियान। तो ये ईयर ड्रम है, और ये भी हमारे पास बहुत ज़रूरी है आवाज़ सुनने के लिए। इंसानी कान जो है ये लिमिटेड है, ये तकरीबन फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होती है, या 20,000 हर्ट्ज, इसके दरमियान जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको इंसानी कान सुन सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम हो जाए तो फिर भी इंसानी कान इसको नहीं सुन सकते, अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर भी ये नहीं सुन सकते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक साउंड वेव आ रहा है,
तो पिना क्या करता है, पिना इस साउंड वेव को कलेक्ट करता है। वो साउंड वेव इस एयर ड्रम के ज़रिए हमारे पास ऑडिटरी कैनाल के ज़रिए यहाँ पर आ जाता है और ये एयर ड्रम के साथ स्ट्राइक करता है और इसको वाइब्रेट करता है, इसको वाइब्रेट करता है। तो इसके ज़रिए हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास हम वॉइस को सुन लेते हैं। अगर किसी बंदे का ये एयर ड्रम हमारे पास डैमेज होता है, इसमें सुराख हो जाता है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो बंदा सुन नहीं सकता। बेसिकली उसका जो एयर ड्रम है वो डैमेज हो गया है, वो हमारे पास डैमेज हो गए, इसी वजह से वो नहीं सुन सकता। अब ये जो सेमी सर्कुलर केनाल होते हैं, इसको हम सेमी सर्कुलर केनाल इस वजह से कहते हैं कि ये हमारे पास पार्शियली गोल होते हैं, पार्शियली हमारे पास इस तरह गोल होते हैं, इसी वजह से हम उसको सेमी सर्कुलर केनाल कहते हैं। तो ये कान के बारे में हमारे पास कुछ डिस्कशन है कि ह्यूमन ईयर हमारे पास वर्क कैसे करता है। ओके, थैंक्स।